लगभग 40 दिन के बाद इंडियन टीम की छुट्टी खत्म होने वाली है। भारतीय टीम के सितारे एक बार फिर से मैदान पर नजर आने वाले हैं। टीम इंडिया चेन्नई पहुंच चुकी है, जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। इंडियन टीम ने नेट्स में समय बिताना भी शुरू कर दिया है। इस साल भारतीय टीम को 10 इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच खेलने हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय टीम के ओपनर ने इंडियन टीम मैनेजमेंट की परेशानी बढ़ा दी है। यशस्वी जायसवाल इंडियन टीम के वो ओपनर जिन्होंने पिछली बार जब टेस्ट सीरीज खेला था, इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, तो इंडिया की जीत में अहम रोल अदा किया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले यशस्वी जायसवाल लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। टीम इंडिया के सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली और भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर उनको राह दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल का बल्ला खामोश है और वो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। पूरी कहानी क्या है, नेट सेशन में क्या कुछ हुआ जिसे देखकर यशस्वी जायसवाल पर ये खबर बड़ी खबर आ रही है, ये समझिए। चेन्नई में इंडियन टीम लगातार प्रैक्टिस सेशंस में हिस्सा ले रही है। यहाँ पर तमाम बल्लेबाज, तमाम गेंदबाज जो हैं, वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेश वो टीम जिसने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत हासिल की और उसके बाद अब इंडिया के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। चेन्नई में प्रैक्टिस सेशन की बात करें तो सेंट्रल पिच पर जब भारतीय बल्लेबाज प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस वक्त बुमराह वहां पर गेंदबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल जो रोहित शर्मा के साथ टेस्ट टीम के लिए ओपन करते हैं, वो लगातार स्ट्रगल करते हुए नजर आए। उनका स्ट्रगल कुछ इस तरीके का था कि दोनों ही एजेस में, यानी कि जब बॉल ऑफ स्टंप से बाहर जा रही है और मिडिल स्टंप के लाइन में आ रही है, तब भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बाहर की गेंद वो छेड़ते हुए नजर आते हैं, जिससे वो कॉट बिहाइंड आउट होते हैं और कई बार वो मिडिल स्टंप की बॉल पर भी स्ट्रगल करते हुए दिखे। इस दौरान पूरा वाक्या क्या था वो भी समझ लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक यशस्वी जायसवाल पेसर्स के खिलाफ लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। विराट ने यशस्वी जायसवाल को कुछ टिप्स भी दिए। विराट के टिप्स के बाद भी यशस्वी जायसवाल का स्ट्रगल जारी रहा। इसके बाद गौतम गंभीर ने भी जायसवाल से बात की। गंभीर की निगरानी में यशस्वी जायसवाल ने थ्रो डाउन का भी सामना किया। यशस्वी जायसवाल तेज गेंदबाजों का सामना कर रहे थे, थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट का सामना कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जिस रिजल्ट की उम्मीद गौतम गंभीर को यशस्वी के बल्लेबाजी से थी, वो बल्लेबाजी यशस्वी नहीं दिखा पाए। अगर बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने आखिरी टेस्ट सीरीज में 712 रन बनाए थे और इसीलिए यशस्वी जायसवाल का फॉर्म इस सीरीज में आने से पहले, या यूं कहें कि 10 टेस्ट मैच जो इस साल भारतीय टीम को खेलने हैं उससे पहले, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अगर हाल फिलहाल में यशस्वी जायसवाल के फॉर्म पर बात की जाए तो आईपीएल में उनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा था। वो ठंडा गरम यानी कि ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस देते रहे थे। इसके अलावा अगर प्रैक्टिस सेशन की बात करें तो सिर्फ जसप्रीत बुमराह की ही गेंदबाजी पर नहीं, बल्कि जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और युधवीर सिंह जो जम्मू कश्मीर के गेंदबाज हैं और इस वक्त इंडियन टीम में नेट बॉलर के तौर पर शामिल हैं, उनकी बॉलिंग में भी, उनकी पेस बॉलिंग में भी यशस्वी जायसवाल ने स्ट्रगल किया। हालांकि अगर यशस्वी की बात करें तो सोमवार को जो नेट सेशन देखने को मिला, वहां पर यशस्वी जायसवाल ने स्पिनर्स के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय टीम के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज जो सिर्फ 22 साल के हैं, उनका फॉर्म में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ बांग्लादेश, इसके बाद जो इंडियन टीम को घर में भी टेस्ट सीरीजेस खेलनी है, वहां पर भी यशस्वी का फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। भले ही पेसर्स के खिलाफ यशस्वी फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में यशस्वी को बाहर नहीं किया जा सकता और वो वहां पर आपको इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में नजर जरूर आएंगे। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि गुरुवार को जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है उससे पहले यशस्वी जायसवाल अपना फॉर्म खोज लें और पेसर्स के खिलाफ और स्पिनर्स के खिलाफ, हर किसी के खिलाफ ताबड़तोड़ हमला जरूर करें।